DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. हमने आज कलेक्टर साहब के साथ शहर और देहात के हम सभी प्रमुख बीजेपी के नेताओं ने ज्ञापन दिया. उस ज्ञापन में स्पष्ट है कि इस समय अजमेर में सबसे बड़ी पानी की समस्या है, जिसके कारण से लोग त्राहिताई कर रहे हैं. और ऐसे समय जब बीसलपुर में पूरा पानी है, फिर अजमेर की जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ तक 48 घंटे का वादा था, वहाँ 72, 96 और कई दिन तो 5 दिन भी हो रहे हैं. और इसी प्रकार गाँव में भी 5-5, 7-7 दिन हो रहे हैं. तो पानी की समस्या का समाधान करें, सबको निश्चित 48 घंटे पानी मिल जाए. अजमेर का जो 120 MLD है, इस समय 110 से भी कम मिल रहा है. तो अजमेर को पूरा पानी मिले, अजमेर की जनता को पूरा मिले. दूसरा हमारा मुद्दा था कि ये जो इन्होंने 37 कैटेगरीज इन्होंने छाटी हैं, उसमें न तो आपका ई मित्र का कई सर्वर काम नहीं कर रहा है, इसलिए हजारों लोगों ने कि सर्वर काम न करने के कारण उनके नाम रजिस्टर नहीं हो पाए. दूसरा, इन्होंने BLOs के कई जगह BLOs नहीं है, और जहाँ BLOs है उनके पास ऐप नहीं है. तो इस प्रकार का अशोक गहलोत की सरकार केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है. वह भ्रमित न करके अजमेर के इन 37 कैटेगरीज के एक एक व्यक्ति का नाम उसमें रजिस्टर हो जाए, इसको सुनिश्चित करें और BLOs को भी निर्देश दें और साथ में अधिकारियों को भी दें. और इसके लिए कम से कम 7 दिन का समय दें. ये 3 दिन का बढ़ाते बढ़ाते उससे सर्वर काम नहीं कर रहा है. दूसरा बड़ा मुद्दा हमने कहा. तीसरा, जो दुकानदार हमने जो मंडी के दुकानें जली उनको राहत करने के लिए हमने निवेदन किया. चौथा, कुछ मार्केट तो पूरा मार्केट खुल रहे हैं और कुछ मार्केट में ऑड एंड इवन कर रहे हैं. हमने मांग की कि सारे मार्केट एक तरह से सभी दुकानें खुलें. ठीक है, उनसे वादा लेने सोशल डिस्टेंस का हो, लेकिन इस प्रकार का कि आपस में वो गड़बड़ न करें. कुछ मार्केट तो ऑड इवन खोलें, कुछ मार्केट असंतोष है. तो कल इन्होंने हमारे कहने से कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में रियायत तो दी, लेकिन उस रियायत का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वह व्यापारियों को मिले. ये हमारी डिमांड मुख्य रूप से थी. और लास्ट में जो हमने एक डिमांड रखी वह ये रखी कि आपके जितने भी ये विद्युत के बिल हैं, इनमें इन्होंने शुरू में तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी अशोक जी ने कि आपके 2-3 महीने का स्थगित करते हैं. लेकिन उसके स्थगित करने के बाद अब एक तो उनको बढ़ चढ़ करके बिल जा रहे हैं, एवरेज बिल जा रहे हैं. जब दुकानें इंडस्ट्रीज बंद थी तो एवरेज बिल का क्या तुक है? फिर एवरेज बिल जाने के बाद उन्होंने कहा मीटर रीडक्स होगा, लेकिन एवरेज बिल के बारे 2 महीने का, फिर उस पर न करने का पेनल्टी. तो आदमी पर इतना पैसा है कहाँ? दुकान तो अब खोली है, गरीब ने मकान जो है अब उसका धंधा शुरू हुआ है. तो गरीब दुकानदार इंडस्ट्रीज और इसके घरों वालों का ये बिल किस्तों में लिया जाए और एक्चुअल रीडिंग से लिया जाए, तब जा करके उनको राहत प्रदान होगी. इससे जुड़े हुए हमने कुछ 10 बिंदु लिखे हैं. इस पर कलेक्टर साहब ने कहा जो राज्य सरकार से संबंधित है वो हम राज्य सरकार को लिखूंगा. और इसके बाकी पानी और बाकी मुद्दों पे और इन 37 के उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा. आज हम सब ने हमारे दोनों जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है. हमारे सांसद महोदय भी हमारे साथ थे. अभी जो सबसे बड़ी समस्या, इतनी भीषण गर्मी में पानी को लेकर के बहुत हाहाकार है और लोग रोज मटके फोड़ने का काम कर रहे हैं. तो जो कंटिजेंसी प्लान गर्मी के वक्त बनाया जाता था, वो किसी प्रकार का कंटिजेंसी प्लान इस बार सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है. एक तो हमारी कंटिजेंसी प्लान बनाने की मांग रही है. दूसरी मांग जो हमारी सबसे बड़ी है, वो बिजली के बिलों में स्थायी शुल्क बहुत ज़बरदस्त लगा है. एवरेज बिल के नाम पर बिल भेजे जा रहे हैं और 2% पेनल्टी लगेगी. इससे आदमी पैनिक हो गया और जल्दी से जल्दी बिल जमा कराने के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहा है. तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिष्ठान पूरे लॉकडाउन की अवधि में बंद थे, उन प्रतिष्ठानों की कोई कमाई नहीं हुई, तो वो कैसे बिजली का बिल जमा करेंगे? इसलिए इस बिजली के बिल को किस्तों में जमा कराया जाना चाहिए, ये बात हमने कही है, या फिर पूरी तरह से सरकार इसको माफ़ करे. तीसरी बात जो हमने विशेष तौर पर कही है कि जो खाद्य सामग्री को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो खाद्य सामग्री दी जा रही है, कल भी मैंने VC के माध्यम से ये विषय उठाया था और आज भी जितने भी ई मित्र हैं उन सब ई मित्रों पर जो पोर्टल है वो पोर्टल स्लो चल रहा है या चल नहीं रहा है. बड़ी मुश्किल से ई मित्र कियोस्क धारक उसका पंजीकरण करते भी हैं तो पंजीकरण फेल हो जाता है. ऐसी स्थिति में जो सरकार का IT डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से फेलियर हो रहा है
और पब्लिक बहुत परेशान हो रही है कि हमारा पंजीकरण कैसे कराएं। तो ये मुख्य मुख्य मुद्दे थे जिसको लेकर के आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, और साथ ही आने वाले समय में जो BLAs जो लगाए गए हैं उनको पूरा ऐप के साथ में उनको पूरे संसाधन दे करके भेजें ताकि वो इन लोगों का सर्वेक्षण कर सके और इनका खाद्यान्न उपलब्ध करा सके। तो ये मुख्य पानी, बिजली और खाद्यान्न को लेकर के प्रमुख मांगे थी, जिसके लेकर के आज कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।